हंसता था मैं जब लोग कहते थे कि उन्होंने कुछ खो दिया, कुछ जिसके वो बहुत करीब थे, जिसे बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। पर मैं समझ नहीं पाता था कि लोग रोते क्यों हैं कुछ खोने पर। पर उस दिन जान गया। अपने दोस्त के घर गया था मैं। चौखट पर आस लगा कर बैठी थी उसकी माँ कि अब मेरा बेटा आएगा, इस बार गले से लगा लूँगी और उसे कभी नहीं जाने दूँगी। पर क्या कहता है मैं उससे कि माँ, अब शायद ही तेरा बेटा वापस आ पाएगा, क्योंकि वो तो लड़ रहा था अपनी दूसरी माँ के लिए। उस माँ से पूछो, उसने शायद कुछ खोया था। बहन की खुशी थमने का नाम नहीं ले रही थी। राखी की थाली सजा कर रखी थी उसने और कह रही थी कि इस बार भैया की सारी जेब खाली करा दूंगी। क्या कहता है मैं उससे कि तेरा भाई अब शायद ही अपनी कलाई उठा पाएगा। उस बहन से पूछो, उसने शायद कुछ खोया था। भाभी के पास भी गया था मैं। खाना इतना अच्छा बनाया था जैसे लग रहा था कि मुगलों का खाना यहीं से जाता था। कह रही थी कि शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी जब छोड़ कर गए थे, इस बार खाने से दिल जीत लूँगी। क्या कहता है मैं उनसे कि वो शायद ही आपका दिल रख पाएगा। और फिर आई वो शोक की घड़ी जब देश के साथ दिल का अंग अंग रोया था। उस माँ से पूछो, उस बहन से पूछो, उस पत्नी से पूछो, उन्होंने शायद कुछ खोया था, उन्होंने शायद कुछ खोया था। विनायक, it was really